जहाँ तक तुष्टीकरण का सवाल है, मुलायम सिंह जी को कोई मात नहीं दे सकता। ये मुख्यमंत्री थे, राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी, सारे उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगा दिया, कोई आना नहीं पाएगा, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। प्लीज प्लीज दुनिया के सारे मुस्लिम देशों मंदिर टूटे हैं, उन मंदिरों की भी हिफाजत हमने की। ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये सवाल ऐसा नहीं है जिस पर राजनीतिक दलों में होड़ हो, इस होड़ से बचना पड़ेगा। मैं विषय को टाल नहीं रहा हूं, मैंने अपने वक्तव्य में कहा, वक्तव्य का जो बातचीत हो रही थी मैंने उसमें कहा कि राष्ट्रीय भावना से जुड़ा हुआ सवाल है, इस पर कैसे आपत्ति हो सकती है? क्या चर्चा का विषय हो सकता है? ये कैसे चलेंगे ना, जब सोमनाथ मंदिर का जब सोमनाथ में फिर से मंदिर बना, शताब्दियों तक वो जगह खंडर रहने के बाद, विध्वंस के पश्चात जब देश आजाद हुआ, तो फिर सोमनाथ को फिर से चटर्जी नहीं उस समय जो बातें कही गई थी, जो विचार थे, जो भूमिका थी, क्या राम मंदिर के निर्माण के बारे में वो लागू नहीं होती? अगर ये रिप्लाई देने को ये जयपाल रेड्डी साहब है ना, आप बैठ जाए प्लीज। दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। हिंदू मंदिर है इसलिए बन रहा है, इसलिए राष्ट्रीय चेतना का भावना का सवाल है, ऐसा नहीं है। नो प्लीज टेक केयर। कुछ दिन पहले यू आर आल्सो डिस्टर्बिंग द हाउस। अटल जी देयर हैव बीन मेनी डिस्कशंस ऑन दिस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आल्सो आउटसाइड। नॉट ए सिंगल मेंबर, नॉट ए सिंगल पार्टी has ever said there should not be any temple. The question is only whether on that spot. Therefore, it was suggested during VP Singh's time that land will be given next to that. You can build any temple you want. Therefore, there was no question of anybody standing in the way of construction of a temple. Question is at what spot? That when you say it is adhura kaam hai, and you say it represents a national sentiment, then the question has arisen, otherwise why? अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत क्या इस तरह के प्राचीन पुरातन पवित्र मंदिर का निर्माण नहीं आता? मगर वो मंदिर का निर्माण सहमति से होना चाहिए, सबकी राय से होना चाहिए, यही मैंने कहा है। मस्जिद तोड़ने की आलोचना की गई और मैं उस सारे विवाद में नहीं जाना चाहता। आखिर जब कांग्रेस के नेता और पुराने प्रधानमंत्री वहां गए, शिलान्यास हुआ ना, लेकिन मैं इसके लिए उन्हें दोष नहीं देता, क्योंकि उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये भावना थी कि हम जो काम कर रहे हैं वो केवल चुनाव के लिए नहीं है, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ राम मंदिर का निर्माण होना जरूरी है।
रूपचंद पाल जी, मैं ये क्या हो रहा है? तैयार नहीं हूँ ये क्या आखिर आप नो नो प्लीज मिस्टर दास मुंशी व्हाट इज दिस नो प्लीज नथिंग शुड गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट द प्राइम मिनिस्टर्स रिप्लाई अध्यक्ष महोदय यहाँ श्री ना बैठ जाए प्लीज नारायण दत्त जी तिवारी बैठे हुए हैं मिस्टर मणिशंकर अय्या प्लीज टेक योर सीट स्थिति से प्लीज टेक योर सीट नो प्लीज टेक योर सीट नो यू आर आल्सो डिस्टर्बिंग द हाउस व्हाट इज दिस प्लीज टेक योर सीट व्हाट इज दिस दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड प्लीज अध्यक्ष महोदय मिस्टर मणिशंकर प्लीज टेक योर सीट ये ठीक नहीं है प्लीज टेक योर सीट खालसा पंथ प्लीज टेक योर सीट व्हाट इज दिस श्री शक्ति व्हाई आर डिस्टर्बिंग हाउस श्री शक्ति मनाने का आयोजन किया गया आई एम नॉट अलाउड यू प्लीज प्लीज टेक योर सीट क्या वो राष्ट्रीय भावना का प्रकटीकरण नहीं था दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड नथिंग शुड गो ऑन रिकॉर्ड खालसा की स्थापना एक्सेप्ट द प्राइम मिनिस्टर्स रिप्लाई नथिंग शुड गो ऑन रिकॉर्ड सारे राष्ट्र के लिए एक समारोह था राष्ट्रीय समारोह था भले ही खालसा पंथ एक पंथ है लेकिन हमारे राष्ट्र जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है मुझे याद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ के अवसर पर अभी हमने फैसला किया है इफ यू डोंट हैव पेशेंस यू कैन लीव द हाउस फ्रॉम द बिगिनिंग यू आर डिस्टर्बिंग द प्राइम मिनिस्टर भूमि में डॉक्टर अंबेडकर का व्हाट इज फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ ही हैज बीन डिस्टर्बिंग हमने और भव्य विस्तृत रूप देने का फैसला किया है क्या वो राष्ट्रीय भावना का प्रकटीकरण नहीं है आर यू यील्डिंग आर यू यील्ड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आर यू यील्डिंग इज नॉट भगवान महावीर के प्राइम मिनिस्टर जी 2500वें जन्म कल्याणक वर्ष को मनाने का फैसला हुआ है आर यू यील्ड यील्डेड प्लीज एवन नहीं यील्डेड माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबरी मस्जिद के आकार प्रकार और जो मंदिर शिलान्यास के बारे में कहा शायद जो तथ्य उनके पास आए हैं वो त्रुटिपूर्ण हैं और सही नहीं है ए बी सी डी जो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो नक्शा अदालत में दिया था उसके बाहर एक हफ्ते पूरे बातचीत के बाद तब उस जगह शिलान्यास करने की इजाज़त दी गई जो ए बी सी डी से दूर था उससे दूर उसके दायरे में नहीं था डिस्प्यूट साइट में और उसमें यह शर्त मानी गई थी कि अब कोई काम आगे नहीं होगा कोई भी आगे कार्रवाई नहीं होगी और इस सदन में बीपी सिंह जी के समय में एक सही बात को सुनने के लिए अगर आप तैयार नहीं है इस सदन में जवाब दिया गया प्रश्न का कि नो प्लीज नहीं हुआ ऑर्डर प्लीज नो प्लीज बीपी सिंह जी की सरकार में यहाँ जवाब दिया गया इसलिए प्रधानमंत्री का यह कहना प्रधानमंत्री जी का कि वो डिस्प्यूटेड जगह में हुआ ये नितांत असत्य है नहीं कहा
हमने नहीं कहा है। नो नो प्लीज, नो नो आप बैठ जाए प्लीज। मिस्टर चिमनमानंद स्वामी प्लीज आप बैठ जाए। अध्यक्ष महोदय, अभी अभी सरकार ने फैसला किया है कि भगवान महावीर की 26वां कल्याणक जन्म मनाने के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया जाए। अलग अलग दलों के, अलग अलग विचारों के व्यक्ति उसमें शामिल हैं। हम मिलकर उसे मनाने का कार्यक्रम बना रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि महावीर भगवान की इस तरह के समारोह को मनाने का प्रयास राष्ट्रीय भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है तो गलत होगा। क्या परिभाषा करना चाहते हैं आप? आखिर तो भावना का सवाल है। और मैं आपको तो उस समय भी कुछ लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र बाबू की आलोचना की थी। यहां तक प्रयास हुआ था कि सोमनाथ के समारोह के अवसर पर राजेंद्र बाबू न जाने पाए, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे मस्जिद में बुलाया जाएगा तो मैं जाऊंगा, अगर गिरजाघर में आमंत्रित किया जाएगा तो उस आमंत्रण का भी मैं सम्मान करूंगा। हमारा देश धर्म विरोधी नहीं है, कम्युनिस्टों की विचारधारा अलग है, लेकिन सर्वधर्म समभाव, हर धर्म के प्रति आदर का भाव, बराबरी का भाव, बराबरी का आचरण मैं